नालागढ़ के एक निजी स्कूल में पिछले कई दिनों एक टूर के दौरान स्कूल के एक प्रिंसिपल पर अपने ही स्कूल की छात्रों को छेड़छाड़ करने का मामला मीडिया में काफ़ी छाया हुआ था। लेकिन जब इस मामले में पुलिस वुमेन सेल ने बड़ी बारीकी से छानबीन की तो उसमें कोई भी ऐसा तथ्य सामने नहीं आया जिसमें प्रिंसिपल को दोषी ठहराया जाए। इस सारे मामले की छानबीन एसपी बद्दी बिंदु रानी सचदेवा के देखरेख में बहुत बारीकी से की गई, जिसमें यह सारा मामला झूठा साबित हुआ, जिसकी पुष्टि एसपी बद्दी बिंदु रानी सचदेवा ने की। इसकी जांच महिला थाने की एसएचओ ने की और इसमें किसी भी लड़की ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई है। तो जो आरोप लगाए जा रहे थे उसकी पुष्टि पुलिस की जांच में नहीं हुई, जिसके तहत आज स्कूल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल प्रबंधकों, अध्यापकों तथा सभी छात्रों से बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने इस सारे मामले को जड़ से निकारा। पर वहीं एक लड़की ने ऑफ कैमरा यह माना कि जो सोशल मीडिया पर बात चल रही है वो सच है, परंतु जब हमने कैमरे में उसका बयान रिकॉर्ड करना चाहा तो वो अपने बयान से पलट गई। इस लड़की का मानना और बयान बदलना कहीं ना कहीं कोई दबाव तो नहीं, क्योंकि जब पुलिस ने छात्रों से बयान लिए तो सभी ने इस बात को नकार दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जबकि पुलिस ने यह माना कि ऐसा मामला नहीं हुआ है। इस लड़की का बार बार बयान बदलना भी एक जांच का विषय है या स्कूल को बदनाम करने की साजिश है? नो सर, बिल्कुल नहीं, ये न्यूज़ अफवाह है। तो आपके जब टूर था कितने दिन का टूर था और कब आप वापिस आए? सर 24 तारीख को गए थे शाम को 6 बजे, दो पता नहीं 3 तारीख को आए थे। 10 दिन का टूर था। कितने जने थे आप टूर में? सर 64 स्टूडेंट्स थे शायद, अप्रोक्सीमेटली 64 या 65। तो कोई ऐसा कोई वो नहीं हुआ था? नो सर। अच्छा, ये जो टूर गया था वो कहाँ गया था? कितने बच्चे थे साथ में? 34 64। अच्छा, ये जी बताइए कि भी किसी भी गर्ल्स ने उस ड्यूरिंग टूर के आपको कभी कुछ ऐसी कोई बात बताई कि भी जो आपको लगता हो कि आपको सब कुछ बतानी चाहिए सबको? ऐसी कोई बातचीत किसी के साथ नहीं है। तो ये जो अभी प्रिंसिपल साहब पे जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो आपको कब पता लगा? उसको आपको कैसे लगा न्यूज़ देख के? ऐसी तो कोई बात नहीं हुई ना, फिर हमारे स्कूल को ऐसे बदनाम किए जा रहे हैं कि आपके साथ ट्रिप के दौरान कुछ हुआ था या नहीं, तो हमने मना किया था कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्लस टू में। अच्छा, आपने अभी सुना होगा मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो है आपके पंच है आपके पंच बोल बात आते हैं वो बातचीत है। तो क्या परेशानी है? इस सारे मामले में जब स्कूल के प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है उससे मैं संतुष्ट हूँ, जो मुझ पर आरोप लगे हैं सब निराधार हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मुझे ऐसा पता चला है कि पुलिस ने अपनी तफ्तीश पूरी कर ली है और उसमें उन्होंने ऐसा पाया है कि किसी भी बच्चे का कोई गलत बयान नहीं है। उन्होंने सभी ने यही बयान दिया है कि वो सुरक्षित है और उनके साथ कुछ भी ऐसी छेड़छाड़ नहीं हुई है। बाकी मैं पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से 15 दिन तक ये तफ्तीश की है, वेरिफिकेशन की है और अभी कुछ बच्चों ने भी बयान दे दिया है कि बच्चे
बिल्कुल सुरक्षित थे, ठीक ठाक वापस आए हैं और मेरे पास इस पूरी घटनाक्रम में किसी ने भी कोई पेरेंट्स में आकर कंप्लेंट नहीं की है और ना ही कोई पुलिस में ऐसा मामला दर्ज था, ना ही कोई शिकायत थी। और अभी भी लेकिन मेरे को शक है कि कुछ तत्व है, क्योंकि जब मेरे खिलाफ़ कोई शिकायत ही नहीं थी पेरेंट्स की तरफ से, तो भी इतनी बड़ी ये इंक्वायरी हुई है, कोई भी शिकायत नहीं थी। और अभी भी मुझे पूरा पूरा शक है कि कुछ लोग कुछ बच्चों को बहका रहे हैं और उनको कुछ ना कुछ गलत बयान देने की तरफ मोड़ने की साजिश रच रहे हैं। सभी बच्चों ने पुलिस में जो बयान दिए हैं वो दे चुके हैं और स्कूल पूरी तरह से वर्किंग में है, सारे बच्चे स्कूल आ रहे हैं और मुझे फिर एक बार संतुष्टि है कि पुलिस ने अच्छा बयान दिया है और मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन साजिश तो कहीं ना कहीं है और साजिशकर्ता अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा अपना दाव पे चल सकता है। धन्यवाद। नालागढ़ से अजय रतन की खास रिपोर्ट।